सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह के आप अगर हौसला बढ़ाते रह जाएंगे तो शायर को न पढ़ने में प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोगों के पास कोई म्यूजिक तो है नहीं कि एक शेर पढ़ लिया और आधा घंटा बजाते रहे, ऐसा तो है नहीं। क्या करना, वो बेटा लोग का काम है और इसी में लौंडा लोग पूरा देता है। हाँ, इसी में खूब झूमता है। खाली म्यूजिक म्यूजिक इतना कब्र में पिटाई होगी ना समझ में आ जाएगा। फिर सुबह साग, इतना परेशान हुआ तो कहा कि सासू माँ इतना परेशान होती है, आप खेत जाती हैं, वहाँ से साग तोड़ के लाती हैं, उसको धोती हैं, पकाती हैं, तब हमको खिलाती हैं, तो एक मेहरबानी कीजिए दोपहर में जो है हमको खेत में ले चलिए, एक घंटा वहाँ चर लेंगे। क्या कहना, वाह वाह, अरे वाह वाह। देखो भाई, मेरे पास दुआ ही है जो मैं दे सकता हूँ। जुल्फे सरकार, बहुत जुल्फे सरकार से जब चेहरा निकलता, बहुत खूब बहुत जुल्फे सरकार से जब चेहरा निकलता होगा। फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा। अब वो शेर जो जमाना खड़ा होकर सुनता है, मगर आप बैठ के सुन लो। आज मैं ये एहसान आप पर करता हूँ। क्या कहा, महली माँ, बहुत ये चार मेरे भाई इतने जबरदस्त बोल रहे हैं कि तबीयत लग गई, और वो चंद मेरे भाई ऐसा लग रहा है कि अकलू खान का चालीसवां नहीं अपना चालीसवां मनाने बैठा है। अकलू अंसारी, अच्छा ऐसा ही कुछ लग रहा है, मगर कोई शिकायत नहीं आपसे, आप बैठ गए हो, यही कम बड़ी बात। मैं शेर पढ़ता हूँ, सुन लीजिए। महली माँ तू पता, अरे वाह, तू जबरदस्त। एक आखिरी बार बोल के दिखाना, उसके बाद मेरी कोई मर्जी नहीं होगी, आप ही की मर्जी चल रही है, आप ही की चलेगी। महली माँ तू पता हो, मैं तो देखा होगा, कैसे तुझसे वाह 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 वाह, क्या कहना, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुद्दा। मेरा महबूब भूली पटता होगा, कितनी खुश पाते हैं वो शहर की गलियां। वाह, क्या कहना है, ये आखिरी शेर रंग में पढ़ रहे हैं। कितनी खुश बाते हैं उस शहर की गलियां,
निकलता हो सुभान अल्लाह माशाल्लाह बहुत खूब बहुत खूब के मेरा यार निकलता बड़ी ठाक लही सबकी वाह 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 मानो है इतना और देह है इतनी पूरा देव वाह वाह नहीं पहले देव तो पढ़े ठाकने के लिए सीख अरे ये के बजी दीजिए अच्छा मैं वो पढ़ दूंगा अब बैठ जाइए ये मोहब्बत आपकी मैं बोल रहा था ये लेके जाइए रखिए फिर दीजिएगा जुल्फे सरकार से जब चेहरा माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी खुशी है अरे वाह कितनी खुशी बाते हैं उस शहर की गलियां यारो जिनमें बंधन जिनमें बंधन के मेरा यार निकलता सुभान अल्लाह माशाल्लाह बहुत उम्दा शेर जिनमें बंधन के मेरा यार होगा एक शेर और अच्छा तो नहीं लगा होगा अच्छा लगा अच्छा लगा बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया मैं एक शेर और पढ़ देता हूँ जिनमें बंधन के मेरा यार अल्लाह सलामत रखे हमारे भाइयों को नाते रसूल पढ़ रहे हैं हर आशिके रसूल को नाते रसूल पढ़ना चाहिए जिनमें बंधन के मेरा यार निकलता मुझको माशाल्लाह माशाल्लाह से भी रोते हुए ढलता होगा आजकल सिस्टम हो गया क्या क्या लोग कहते हैं बेटी 10 की होती है हम भी कहते हैं कहना भी चाहिए बेटी 10 की होती है लेकिन जब शादी की बारी आती है ना तो इंतजाम बाप ही को करना पड़ता है है ना सही बात सब कहते हैं बेटी हमारी है बेटी कौम की है लेकिन जब बारी आती है इंतजाम करने की तो चाहे वो जमीन बेच के करे चाहे मकान बेच के करे चाहे जैसे करे इंतजाम बापे को करना पड़ता है उसी तरीके से जल से कभी हाल हो गया जलसा सजाने वाला शायर को भी नजराना देगा मुकरिर को भी देगा सबको नजराना देगा टेंट भी लगाएगा माइक भी लगाएगा सारा खर्चा करेगा लेकिन मजमा से कोई 10 रुपया नहीं देगा देना लेना सब इसी को पड़ेगा तो घबराने की बात नहीं है आपका भी टाइम आएगा क्या आपका भी टाइम आएगा आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदिएगा तो आप कहाँ जाइए इसलिए कोशिश करना चाहिए कि कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हौसला बढ़ाना चाहिए
सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह के आप अगर हौसला बढ़ाते रह जाएंगे तो शायर को न पढ़ने में प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोगों के पास कोई म्यूजिक तो है ही नहीं कि एक शेर पढ़ लिया और आधा घंटा बजाते रहे, ऐसा तो है नहीं। क्या करना, वो बेटा लोग का काम और इसी में लौंडा लोग पूरा देता है। हाँ, इसी में खूब झूमता है। खाली म्यूजिक म्यूजिक इतना कब्र में पिटाई होगी ना समझ में आ जाएगा। ये नाते रसूल सुन रहे हो, ये उलमाए कराम बैठे हैं, मैं गारंटी लेता हूँ तुम्हारा सुभान अल्लाह बोलना काम आ जाएगा। वाह सुभान अल्लाह, वाह माशाल्लाह। अनवर भाई कौन है? अच्छा आप हैं। फारूक भाई कौन है? आप हैं। अब पैसा मत देना। हाँ, उसकी वजह ये है कि अब ये लोग देगा और नहीं देगा तो आपके गांव में फिर जलसा होगा। आप एकदम सामने बैठिए, अगर किसी भी एक टका मत दीजिए। आप लोगों के पास है खुदरा की खुदरा लीजिए। जी जी, हम पूछ ले रहे हैं भाई, आप लोग हमारे घर के आदमी हैं। एक लड़का ना ससुराल चला गया तो सास भी बड़ी चलाक थी, बोली जब तब चला आता है, तू का करी, जाए खेत में से साग तोड़ के लाए, बनाए खिला दे। तो सुबह सुबह नाश्ते में साग भात, सोचा दोपहर में कुछ मिलवे करेगा, फिर दोपहर में भी साग भात, सोचा रात में कुछ मिलवे करेगा, मोहो साहो। काफी परेशान हुआ, वो आके बड़ा परेशान हुए हैं लगता है। अब सोचा कल सुबह तो देबे करे, फिर सुबह साग। इतना परेशान हुआ तो कहा कि सासू माँ इतना परेशान होती है, आप खेत जाती है, वहाँ से साग तोड़ के लाती है, उसको धोती है, पकाती है, तब हमको खिलाती है। एक मेहरबानी कीजिए, दोपहर में जो है हमको खेत में ले चलिए, एक घंटा वहीं चर लेंगे। क्या कहना, वाह वाह, अरे वाह वाह। हाँ, काहिल परेशानी उठाइए।